आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दोस्त जो अभी 12th में है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मतलब ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं पे मिल जाए, बिकॉज हम मतलब अच्छे से बात करेंगे जेके बोस और जो सीबीएसई है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, तो अच्छे से एंड तक जरूर देखें। पहली बात करें आपके मॉडल पेपर्स की, सीबीएसई की बात करें पहले। सीबीएसई जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाता है मॉडल पेपर्स रिलीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को पहले ही मतलब जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उनको पहले ही पता चलती है कि कैसे क्या पेपर आने वाला है, मतलब कैसी चॉइसेस होंगी, किस चैप्टर में चॉइस होगी या कुछ, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें अपने जेके बोस की, तो इनका मॉडल पेपर मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले मिल जाए, क्योंकि अभी तक मैंने मेरे हिसाब से मतलब मेरे एंड से तो मैंने दो चार बार पूछा है, दो चार बार उन्होंने एक एक डेट मुझे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी आपका मॉडल पेपर रिलीज नहीं किया है। ये उनकी मतलब वो बताते हैं ना कि देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा, ये उन्हीं की लापरवाही है, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है। बिकॉज बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो एज सून एज पॉसिबल आपका मॉडल पेपर रिलीज करे, बिकॉज मॉडल पेपर से बच्चे को पता चलती है कि कैसे क्या मतलब ऑप्शन कैसे होंगे। तो ये रही बात हमारी मॉडल पेपर की, आई डोंट नो कभी ये रिलीज करने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो एग्जाम के एक दिन पहले ही रिलीज करेंगे, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना, उससे पहले ही करेंगे, बट आई डोंट नो कितने दिन पहले या कितने महीने पहले। अब अगर हम बात करें नंबर टू की, वो है आपका एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई की एकेडमिक कैलेंडर, अगर वो कोई सा भी रिलीज करते हैं तो वो बराबर अकॉर्डिंग टू दैट चलेंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली हर एक चीज में डिले करते हैं, चाहे वो डेट शीट हो, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस हर एक चीज में आपको सबर करना पड़ता है। तो क्या है कि अगर हम सीबीएसई की बात करें, अगर उनका एकेडमिक कैलेंडर आ जाता है तो वो उसी के हिसाब से सब कुछ करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली सब कुछ करते हैं। लेकिन जेके बोस का जैसे एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं हुआ था। हाँ, कुछ एक दो चीजें फॉलो हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा आपका रिजल्ट कितना डिले हो गया था, मतलब रिजल्ट तो 10 महीने बाद इन्होंने निकाला था। आपके बायनुअल एग्जाम्स का सीन हो गया, बायनुअल में भी इतना डिले हो गया, मुझे समझ नहीं आता मतलब ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे। ये जो चीजें हैं वहाँ पे इनको ये सोचना चाहिए कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच के मतलब सिर्फ डिले करते हैं। मेरे हिसाब से तो जेके बोस से जेके बोर्ड मतलब BODE नॉट BOSE, ये BODE होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ डिले एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में ही डिले कर रहे हैं सब कुछ, जो भी हो रहा है वो एजुकेशन में ही हो रहा है यहाँ पे। खासकर अगर हम JNK की बात करें, यहाँ पे एजुकेशन वाइज हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ये नहीं कि बस यही स्टेट बोर्ड है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक कैलेंडर चलते हैं, मतलब हम ऐसा भी बता सकते हैं वो सीबीएसई से कंपीट कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा ये जेके बोस मुझे समझ नहीं आ रहा वल्लाह ही, मतलब क्या सीन है इनका क्या नहीं है। अभी आप देखना कितने डिलेज होंगे, चाहे आपका डेट शीट हो, चाहे आपका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने को हो, फिर आपका रिजल्ट हो गया, फिर आपका मतलब जो भी सीन होंगे, तो उस चीज के लिए बी रेडी। बस इतना दिमाग में रखो कि हमें सब्र करना है जेके बोस के साथ जब तक आप कनेक्टेड हो। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दोस्त जो अभी 12th में है, मतलब जिनका कनेक्शन कट होने वाला है जेके बोस के साथ, इंशाल्लाह उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट पहले ही करना चाहता हूँ। बाकी ये कहना था मुझे इस वीडियो में कि सीबीएसई एक अलग ही चीज है। ये भी देखा होगा कि सिलेक्शंस अगर हम देखें सीबीएसई स्टूडेंट्स की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारा जेके बोस, बिकॉज सीबीएसई का अगर हम पेपर पैटर्न भी देखें वो कॉम्पिटेटिव बेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका थ्योरेटिकल। यहाँ पे जेके बोस में देख लो यार, मतलब कुछ भी डाल लेते हैं। अगर मैं पेपर सेट करने पे आऊँ ना, मैं भी इस चीज पे फोकस करूंगा कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हम ज्यादा डालें, बच्चों की नॉलेज अच्छे से चेक करें। बाकी नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बोले अगर आपको कुछ और डिफरेंस भी लगती है, मतलब आप भी मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं नीचे कि मतलब आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग जेके बोस। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, मेरे एंड से जितना भी पॉसिबल हो टिल एंड हम कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। सो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके ऐसी भी नेक्स्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।